बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बस मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा तबीयत कुछ सही नहीं है, गला ख़राब और ज़ुकाम हुआ हुआ है। देखें मौसम, बादल आए हुए आसमान पे। जो जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें मेरी वीडियो। आज जी करवानी थी ऊपर छत की सफाई, तो फिर मैं अपनी हेल्पर को लेके आ गई ऊपर छत पर। छोटी सी है मेरी हेल्पर, तो सफाई तो बहुत अच्छी करती है। फिर भी हेल्पर के पीछे पीछे रहना पड़ता है। आज दोपहर के खाने में क्या बनेगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बस कभी बादल आ जाते हैं, धूप भी देखें अब कितनी अच्छी धूप निकली हुई, काफी तेज धूप में भी बैठा नहीं जाता। फिर चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह सफाई भी हो गई है, पोछा लग रहा है। ये काम चेक करें मेरी बेटी के। चले जी अब नीचे चलते हैं, खाना शाना बनाएं। आज जी दोपहर के खाने में मैं बनाने लगी हूँ आलू मटर और चिकन का सालन। इसकी रेसिपी मैं अपने तरीके से आपको शेयर करूँगी। प्याज़ों को हम गोल्डन ब्राउन करके, इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया था, पानी का छींटा दे लेंगे इसमें। मसाला हम इसका अच्छी तरह बना लेंगे, टमाटर वगैरह डाल के। मसाले में बिल्कुल प्याज बिल्कुल घुले हुए होने चाहिए, इसलिए कि हमने शोरबे वाला सालन रखना है। मैंने स्पाइसेस वगैरह भी डाल दिए हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला। चले जी अब मैं चिकन डाल के अब इसमें मैं भून लूंगी इसे। चिकन अच्छी तरह मैंने भून लिया था, उसके बाद में अब मैं इसमें डाल दूंगी आलू और मटर। इनको भी डाल के हम मैं अच्छी तरह भून लूंगी इनको। शोरबा
शोरबा आप अपने हिसाब से रखें, आप जिस तरह का पसंद करते हैं। मेरे घर में नॉर्मल शोरबा पसंद करते हैं, यानी कि ना ज़्यादा पतला हो और ना ज़्यादा गाढ़ा हो। मैंने मिर्ची भी डाल दी थी हरी। चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह सालन मेरा बन गया था धनिया वगैरह से। अब मैं गार्निश कर लूँगी इसे, साथ ही मैंने कचरे रोटी भी बना लेते हैं। ये एंड वाली रोटी, छोटी सी टिक्की, खाना खाने के बाद फिर मेरी बेटी ने चाय बनाई, मेरे कप में जौहर जी चांदी का साशे डाल के दिया, उससे गले की ज़रा कुछ टकोर हो जाती है अच्छी। नज़ला ज़ुकाम हुआ हो ना तो काफ़ी इससे फ़ायदा पहुंचता है। ये जी, एक दिन मेरी बेटी ने बनाए थे चने वाले चावल, जिसकी वीडियो नहीं बनाई, बहुत ही मज़े के बने थे। इधर मैं सहन में बैठी हुई थी, मोटर वगैरह चला के फिर ध्यान रखना पड़ता है, टैंकी भर जाए तो फिर उसका ध्यान रखना पड़ता है। हेल्पर भी चली गई थी सफाई करके, वो मेरे गन्ने पड़े हुए हैं। आज किचन की सफाई का भी मैंने सोचा, वैसे तो इसकी डेली सफाई होती है, चले मैंने कहा रोज़ों के आने से पहले अच्छी तरह सफाई कर लेती हूँ। रोज़ों में तो फिर इस तरह के काम नहीं किए जाते। शेल्फें वगैरह साफ़ की, चूल्हा साफ़ किया, फिर उसके बाद कैबन कैबन की सफाई भी की। ये चीनी पत्ती वाले डब्बे मेरे, ये नमक दानिया, सर्दी दोबारा से आ गई है। जर्सियाँ वगैरह दोबारा फिर पहननी पड़ गई। सफाई तो हमेशा रखनी चाहिए, सफाई आपको पता है फिर नेप से मान है। एक बार अच्छी तरह सफाई कर लो तो फिर कुछ दिन अच्छे गुजर जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें। ये मैट भी धो के रखा था आज। चले जी गाइस, मेरी वीडियो आज की यहीं तक थी, मिलेंगे अगली अच्छी सी वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।